हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूबिया कासिम. चैप्टर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 इज़ गोइंग ऑन. इन आर लास्ट क्लास वी कवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज. सो फिल इन दी ब्लैंक्स. नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ डैश सॉफ्टवेयर वाइडली यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपका वो सॉफ्टवेयर है, वाइडली यूज्ड होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए. कैसा सॉफ्टवेयर है ये आपका? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वाइडली यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. सेकेंड, अ डैश इज़ अ फाइल दैट ओपन्स व्हेन यू स्टार्ट एमएस एक्सेल. डैश आपकी फाइल है, ओपन होती है जब आप स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को. अ वर्कबुक इज़ अ फाइल दैट ओपन्स व्हेन यू स्टार्ट एमएस एक्सेल. थर्ड, ईच न्यू वर्कबुक कम्स विद, हर न्यू वर्कबुक जो होती है वो आती है डैश वर्कशीट. न्यू वर्कबुक में कितनी वर्कशीट्स होती हैं आपकी? 3 वर्कशीट्स होती हैं. फोर्थ, अ वर्कशीट इज़ डिवाइडेड इनटू, वर्कशीट जो होती है आपकी वो डिवाइड होती है किस किस में? रोज में एंड कॉलम्स में. फिफ्थ, ईच कॉलम हैज़ एन डैश हेडिंग एट द टॉप. हर कॉलम जो होता है उसके टॉप पर कौन सी हेडिंग होती है? अल्फाबेटिकल हेडिंग. ईच कॉलम हैज़ एन अल्फाबेटिकल हेडिंग एट द टॉप. सो दीज आर योर फिलअप्स. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, देर आर 1485 रोज इन अ वर्कशीट. आपके वर्कशीट में 1485 रोज अवेलेबल होती हैं. नो, दैट इज फॉल्स. कितनी वर्कशीट होती हैं आपकी वर्कबुक में? सॉरी, कितनी रोज होती हैं आपकी वर्कशीट में? 1,48,576 रोज अवेलेबल होती हैं आपकी एक वर्कशीट में. सो दैट इज फॉल्स. सेकेंड, व्हेन अ न्यू वर्कबुक इज ओपन इट डिस्प्लेज अ 3 शीट टैब्स. जब आप न्यू वर्कबुक ओपन करते हैं देन वो डिस्प्ले करता है 3 शीट टैब्स. दैट इज ट्रू. थर्ड, एंटर की इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल. एंटर की हेल्प से आप एडजॉइनिंग सेल पर मूव कर सकते हैं. फॉल्स. एंड द लास्ट वन इज़ द एंटर बटन वर्क्स लाइक एन एंटर की इन एक्सेल. एंटर बटन जो होता है आपका वो एक्सेल में एंटर की तरह वर्क करता है. दैट इज ट्रू. सो दीज आर योर ट्रू एंड फॉल्स. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अ इज़ द स्पेस वेयर अ कॉलम एंड रोज मीट. आपका स्पेस होता है जहाँ पर कॉलम एंड रोज मीट करती हैं. कौन सा? सेल, सेल पॉइंटर और सेल रेफरेंस. दैट इज सेल. सेकेंड, यू कैन व्यू द डिज़ायर्ड वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स. आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं डिज़ायर्ड वर्कशीट को कहाँ पर क्लिक कर? सेल पर, सेल पॉइंटर पर और शीट टैब पर. यू कैन व्यू द डिज़ायर्ड वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन इट्स शीट टैब. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड, द एक्सेल विंडो दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन इज असाइन अ टेम्परेरी नेम. एक्सेल की विंडो जो कि अपीयर होती है स्क्रीन पर, उसका टेम्परेरी नेम क्या होता है? वर्कशीट 1, बुक 1 और स्प्रेडशीट 1. दैट इज स्प्रेडशीट 1. सी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड द लास्ट वन इज, अ डैश इज हाईलाइटेड सेल बाउंड्री दैट इंडिकेट एज टू विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट. जब आपकी सेल की बाउंड्री हाईलाइट हो जाती है एंड इंडिकेट करती है कि आपका वो सेल एक्टिव है, सो उसको क्या बोलते हैं? सेल, सेल पॉइंटर और सेल रेफरेंस. दैट इज कॉल्ड सेल पॉइंटर. नाउ आंसर इन वन वर्ड. क्वेश्चन फर्स्ट इज, हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ वर्कशीट. वर्कशीट में आपकी कितनी रोज होती हैं? 1,48,576 रोज आर देयर इन अ वर्कशीट. सेकेंड, वॉट डू वी कॉल द अल्फाबेटिकल हैडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट. आपकी वर्कशीट के टॉप पर जो अल्फाबेटिकल हैडिंग होती है उनको आप क्या बोलेंगे? टाइटल बार. थर्ड, वॉट आर द रोज हैडिंग्स इंडिकेट विद. रो की हैडिंग को आप कैसे इंडिकेट करते हैं? रो हैडिंग इज अ ग्रे कलर्ड कॉलम लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ कॉलम 1. रो हैडिंग जो होती है आपकी वो ग्रे कलर्ड कॉलम होता है,
ग्रे कलर की हेडिंग होती है, लोकेट करती है लेफ्ट साइड में कॉलम वन के। फोर्थ, विच बॉक्स शोज द एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल, कौन सा बॉक्स जो है एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है, दैट इज सेल पॉइंटर। एंड द लास्ट वन इज विच सिंबल इंडिकेट दैट अ फॉर्मूला इज एंटर्ड इन अ सेल, कौन सा सिंबल इंडिकेट करता है कि फॉर्मूला जो है सेल में एंटर किया गया है। इक्वल साइन इंडिकेट करता है कि फॉर्मूला आपने सेल में एंटर कर दिया है। जब आप फॉर्मूला एंटर करते हैं उससे पहले आप क्या लगाते हैं, इक्वल साइन अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को एंटर करने से पहले। सो दीज आर योर आंसर इन वन वर्ड। नाउ इन आर नेक्स्ट क्लास वी कवर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।